राइट इंडियंस पर आप सुन रहे हैं कहानियों का एक कोना विद पंकज जीना। ओ कहानी वाले, मैं कहानी तेरी। सुबह सुबह का वक्त, कोई ऑटो वाला दिख ही नहीं रहा। शुभी जानती है कि भूतनाथ तक अगर टहल कर पहुंच गई तो कोई ऑटो जरूर दिख जाएगा, लेकिन समयाभाव है, कोई रिक्शा ही कर लेगी। ए भैया, बादशाह नगर का क्या लोगे? खुशी से जो दे दीजिएगा ले लूंगा। चौंके शुभी, आवाज में ढीठाई है। मन में आया एक चांटा रसीद करी, लेकिन चुपचाप बैठ गई। और मन वजा रहा है, रिक्शे वाला ऊंची आवाज में गा रहा है, रास्ते में आने वालों से बदतमीजी कर रहा है। वो जानती है ये इस वक्त नरमोर है, पंख फैलाकर नाच रहा है ताकि मादा में आकर्षण जगे। बादशाह नगर पहुंचकर गोरखपुर का टिकट लेकर बाग एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में चढ़ जाती है। कल हॉस्टल की सभी सहेलियां घर गई हैं इंटरसिटी से, जाना तो उसे भी था, लेकिन सार्थक ने कसम दे दी अपनी, आज मेरे साथ मूवी चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम है। अब इतनी मासूम सी उसकी इच्छा का दमन करके वो महीने भर के लिए गोरखपुर नहीं जा पाएगी। पापा ने फोन किया तो बता दिया कि स्वाति के साथ कल आ जाएगी। स्वाति का नाम इसीलिए लिया क्योंकि अगर नंदिता को बता देती तो भाई स्टेशन पर रिसीव करने आ जाता, वो भी नर है आखिरकार। पीठ पर कुछ रेंग रहा है, भीड़ काफी है, वो जरा आगे खिसकने लगी। लोग बर्थ पर पांव पसारे पड़े हैं, भरसक सुबह नहीं हुई इन लोगों की, अकेली लड़की खड़ी है भीड़ में, इन्हें ये नहीं दिखता। अचानक दोबारा कुछ रेंगने लगा पीठ पर, लेकिन अब की बार रेंगने में एक तीखापन है, जैसे बर्र या मधुमक्खी के से डंक वाले कीड़े रेंगते हैं। कीड़ा नीचे कमर की ओर बढ़ रहा है। कल मूवी देखते वक्त सार्थक ने कंधे पर हाथ रख दिया था, उसने पलट कर देखा तो सार्थक दूसरी ओर देखने लगा और हाथ हटा लिया। वो कह नहीं पाई, लेकिन कितना अपनापन और सुरक्षा बोध था स्पर्श में। लेकिन आज जुगुप्सा सी जग रही इस विषैले कीड़े से। शुभी पलटी और आग गलती आंखों से उसकी ओर देखा, उसने हकबका कर हाथ हटा लिया। अरे ये तो वही है जिसने टिकट खिड़की पर कहा था, सिस्टर आप टिकट ले लीजिए पहले। जब वो महिलाओं वाली कदरन छोटी लेकिन सुस्त लाइन में खड़ी थी, और इस नास पीटे का नंबर पुरुषों वाली लाइन में एकदम तुरंत आ गया था, शायद उसी टिकट का कमीशन वसूल कर रहा है अपनी सिस्टर से। डिब्बे के कंपार्टमेंट में एक औरत बैठी हुई है अपने परिवार के साथ, पति और दो बच्चे हैं, एक 10-11 साल का है और दूसरा 7-8 साल का है। औरत कुरूप और मोटी है, पति ऐसे बैठा हुआ है जैसे अभी भी अलसाया और विरक्त हो अपने परिवार से। दीदी जरा बच्चे को खिसका लेती तो मैं भी बैठ जाती, बस गोरखपुर तक जाना है, उसने यथासंभव आवाज में बेचारगी पैदा करते हुए कहा। कहीं और बैठ जाओ, यहाँ जगह नहीं है, कर्कश आवाज में जवाब मिला। खीस से मन भर आया शुभी का, सूरत अच्छी ना हो कम से कम सीरत तो अच्छी हो। वो आगे बढ़ने को हुई तभी सामने की सीट पर बैठे अंकल ने स्नेह दिल आवाज में अधिकार पूर्वक कहा, यहाँ आकर बैठ जाइए बेटा जी। खिड़की पर बैठे युवक को एक बार उन्होंने हटने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद प्रौढ़ ने खिसक कर जगह बना दी ताकि परेशान से शुभी बैठ सके, साथ में उनकी पत्नी भी है जो कि अभी भी ऊँग ही रही है। अंकल ने शुभी की पढ़ाई करियर से संबंधित 2-4 बातें की और जवाब सुनकर वेरी नाइस एक्सीलेंट की सहमति भी भरते रहे। सामने वाली कुरूप महिला की आंखें खूब झगड़ालू जैसी हैं, लेकिन शुभी जब घूर कर देखती है तो वो आँख चुराने लगती है। उसका छोटा बच्चा लगातार कुछ मांगता है और खाता जा रहा है। जब शुभी निश्चिंत हो गई तो उसे एक झपकी सी आ गई, सपने में देखती है सार्थक ने पीठ पे हाथ रखा है, अब की बार वो सार्थक को घूरेगी नहीं, बेचारा डर जाएगा फिर से, वो अनजान बन गई है। सार्थक पीठ से हिला रहा है, बगलों में उंगलियां पहुंचा रहा है। सार्थक के हाथ गर्म और अब जलने लगे हैं, अब बदतमीज हो रहे हैं, अब उसे हिदायत देनी होगी अपनी हद में रहने की। सार्थक ने बगल में चुटकी सी काटी और नींद खुल गई। अरे ये कौन है, क्या अंकल जी? नहीं नहीं वो कैसे होंगे, आखिर आंटी भी तो साथ है, और वो है भी तो कितने भले, ज़रूर वो टिकट खिड़की वाला लुच्चा होगा जो पीछा करके यहाँ आ गया होगा और अंकल से सीट मांग कर बैठ गया होगा। शुभी जगी हुई है लेकिन आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। नरमोर को आज बंध गई है कि मादा तैयार है,
वो पंखों को और फैलाकर नाच रहा है। शुभी ने पलकों की झुर्री से देखा, पेट के पास रेंग रहे हाथ के बाल अतपके हैं, हाथ अब गुदगुदा रहा है। शुभी की आत्मा रो रही है, बर्दाश्त नहीं होता, फफक फफक कर रो पड़ेगी। हाथ टी शर्ट जीन्स के बीच फासला पैदा करना चाहता है। आंखें खोली तो सामने झगड़ालू औरत उसी को देख रही है। औरत की आंखों में करुणा के भाव हैं। एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ से एकाकार हो रही है। अपने छोटे बच्चे से कुछ कहती है। छोटा बच्चा बिस्किट खाना बंद करके उठकर उसके पास आता है और बोलता है, दीदी आप मम्मी के पास जाकर मेरी सीट पर बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन खिड़की से हाथ मत निकालना, इट्स बैड मैनर। अब वो खिड़की वाली सीट पर है, उसी कर्कशा औरत के बगल में। सामने सीट पर बैठे अंकल का चेहरा सोने की एक्टिंग करते हुए भी सफ़ेद पड़ा है। दोनों मादाओं ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की। इस कहानी को लिखा है अतुल शुक्ला ने, आवाज़ है पंकज जीना की।